हेलो गाइस, हाउ आर यू? सो माय डियर, यू आर वेटिंग फॉर मी, आई एम वेटिंग फॉर यू। आइए, ये दिल बेकरार था आपसे मिलने के लिए, बेकरार क्या कहें, है ना, बड़ा रोम रोम रोमांचित हो रही है आप लोगों से जब हम बात करते हैं, जब आप लोगों को मैं देखता तो खैर नहीं हूँ, है ना, जब ये कमेंट्स में जब बातों को मैं देखता हूँ, आपका जो ये लगातार जो प्रेम मैं देखता हूँ, मुझे काफ़ी खुशी होती है। इतनी खुशी मुझे किसी को देखकर नहीं होती। सही बात कह रहा हूँ। चलिए तो देखा जाए, तो आइए डियर, आज आप लोगों का स्वागत है आर्टिस्ट नाम के इस चैप्टर में। आर्टिस्ट यानी कलाकार, मेरा यार मेरा कलाकार, ऐसा सुने होंगे, है ना। तो कलाकारी के बारे में आज चर्चा है। हर इंसान के अंदर एक कला होता है, हर इंसान कोई ना कोई कला में माहिर होता है। उस कला को पकड़ने की जरूरत होती है, उस कला में निपुण बनने की जरूरत होती है। तो भाई, हम लोगों को ये जरूरी है कि हम लोग इस बात का काफी ध्यान रखें कि हमारे अंदर कौन सी कला है जिस बात को हम डेवलप करना चाहते हैं। हर इंसान के अंदर एक पैशन होता है ना, जिसको वह मतलब, ये तो होता है, कुछ लोग कहते हैं पढ़ने का बड़ा मन करता है सर, लिखने का बड़ा मन करता है सर, लेकिन एक बात जरूर है कि हर इंसान को कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई, जो अपना रोजमर्रा के जो कार्य कर रहा है डेली एक्टिविटीज से, उसके अलावा उसको एक पैशन होता है। किसी को गाने का पैशन होता है, किसी का मतलब एक्टिंग का पैशन होता है, किसी को कहीं ना कहीं गवैया बनने का पैशन होता है, किसी को कहीं ना कहीं पेंटर बनने का पैशन होता है, किसी को कहीं ना कहीं अपना हुनर दिखाने का, कोई मैजिशियन बनना चाहता है। हर इंसान कहीं ना कहीं उसके भीतर एक आर्टिस्ट छिपा होता है, लेकिन वह इंसान समय के अनुसार और अपने जो आउटसाइड जो इन्वायरमेंट है, हमारे जो भी एल्डर्स हैं, हमारे जो भी टीचर्स हैं, फीलिंग विद द प्रेजुडिक एंड फीलिंग विद द ट्रेडिशनल पॉइंटेड, सो दे डू नॉट वॉन्ट टू दैट्स गो फ्रॉम द लिमिट्स ऑफ द समथिंग। किसी के लिमिट से ऊपर जाए नीचे जाए ऐसा नहीं होगा, है ना। वो इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं, है ना, मतलब जहां तक हो सके कि बच्चे हमारे अनुकूल चले, लेकिन बच्चों के अंदर जो कला होता है वो कला कोई नहीं छीन सकता। यही राइटर लिखे हैं सीगा नोया, है ना। हर इंसान, हर बच्चा सीखता है नया नया, सोच लीजिए। हर इंसान, आप लोग जब बच्चा होंगे तो आपके पास भी एक कला होगा जो अद्वितीय होगा अपने आप में। मैं प्रोज में सबसे पहला चैप्टर इसी को क्यों उठाया, क्योंकि ये चैप्टर अपने आप में एक बड़ा ही अच्छा चैप्टर, बड़ा मजेदार चैप्टर और एक सीख देकर जाती है अंत में। इसलिए मैं सबसे पहले इस चैप्टर को लाया। मैं चाहता तो पोएट्री से स्टार्ट करता, बट नॉट नाउ। चलिए ध्यान देते हैं सभी लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे और ध्यान देंगे एक एक करके, है ना, आर्टिस्ट के ऊपर। आर्टिस्ट में कुल मिला के आपको बात यह समझाया जा रहा है कि देखो आर्टिस्ट किस बात की है, है ना। यहां पर आपका थंबल लगा हुआ था, इसमें एक गोबड़ का इसमें खिस्सा किया गया, गोबड़ यानी कोहड़ा। तो कोहड़ा को किस प्रकार से उसमें कलाकारी किया जाता है, कोहड़ा को किस प्रकार से उसको चमकाया तमकाया जाता है, ये सब बात है, है ना। देखो कोहड़ा से ही इस तरह की चीजें बन सकती हैं। इसको हम लोग कोहड़ा ना कह के सीताफल भी कह सकते हैं, है ना। गोबड़ इसको बोलते हैं इंग्लिश में सीताफल। अब देखो ये सीताफल से ही बना हुआ चीज है, लेकिन कैसे बना, तुम लोग भी आश्चर्य कर रहे होंगे, है ना। और इन्हें तो आप पहचानते ही हैं, है ना, ये ह्यूमन है, ये आपके हाथी नहीं है। तो किस प्रकार से उस पर डिजाइन्स बनाया जा सकता है, है ना, कैसे जो है, यहाँ पे आप लोग बहुत सा बात समझ रहे होंगे कि उस पर कई रंग के भली भांति पेंटिंग्स की जा सकती है, उसमें जो है नक्काशी की जा सकती है, है ना। तो ये तमाम चीजें आपको समझ में आ रही होगी जो भी मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ये नाटक जो है, ये अंततः बड़ा दुखांत नाटक है, जिस बात को इस बच्ची का चेहरा जो है, ये इस बालक का चेहरा जो है शो कर रहा है कि हाँ ये एक दुखांत नाटक होने वाला है, जो अपने इस पैशन को लेकर एक छोटे बच्चे के अंदर कैसे, एक छोटा बच्चा को पैसे का मोह नहीं होता है, बस उसे जो वो काम कर रहा है उसे लगातार करने देने का, यही उसके अंदर एक भीतर से कहा जाए तो एक बैठा हुआ बात रहता है, जो कि हर बच्चा इस बात को समझता है ना। तो चलिए डियर, है ना, ध्यान दीजिएगा थोड़ा कमेंट सेक्शन पे, कुछ लोग जो हैं उन लोगों को समझ में कम आता है, है ना। अब आप लोग एक बार जबरदस्त उसको शेयर कर दीजिए,
क्योंकि आज का चैप्टर बड़ा मजेदार होने वाला है। मैं चाहता हूं कि बिहार के हर कोना कोना के विद्यार्थी इस मजेदार चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझें, है ना, एकदम खूब बढ़िया इस तरह की बातों को हम समझते हुए चलना है। चलिए, बहुत बढ़िया डियर। हाँ, ये बुक की क्लास है, आज लिटरेचर आपका स्टार्ट हुआ है जी, है ना। तो चलिए मैं आरंभ करता हूं, द आर्टिस्ट रिटन बाय सिगानोया, है ना। एग्जाम में आता है, कहा नहीं आता है ना। तो तुम लोग कलाकार बच्चा है, ऐसा सा प्रश्न पूछता है, मैं क्या कहूं, है ना। चलिए देखा जाए, समझना, ये आपका गोवर्ड के द्वारा बनाया गया ही हॉलोन है। बहुत से विदेशों में हॉलोन फेस्टिवल भी होता है, नाम सुने होंगे हॉलोन फेस्टिवल। ये कोहड़े के द्वारा, सीताफल के द्वारा ही बना हुआ रहता है, उसी को लोग पहनता है, इसके अंदर लाइट्स डालता है, इसको घरों के बाहर सजावट की वस्तु के रूप में इसको सजाता है। तो इसी के बारे में आज हम लोग को सीखना और जानना है, बड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से कहानी है, खूब बढ़िया रोचकर है, एक कहानी बीच में छोड़ने का आपको मन नहीं करेगा, इतना बढ़िया इतना मजेदार कहानी है ना। तो चलिए आज आप लोग गदगद हो जाइए कहानी सीख के, है ना, किस प्रकार इसको फाड़ा जाता है। फाड़ने के बाद इसके अंदर जो एक्स्ट्रेक्ट जो बीज होती है, इसमें लगा हुआ जो गूदे हैं, ये चीज यहाँ पर ध्यान देना। आइए आर्टिस्ट, ये सब जो भी इसके पीछे आप देख रहे हैं, ये सब बना हुआ वस्तु है, जो कि किस चीज से बना हुआ है भाई, जो बना हुआ है आप लोगों के कहीं ना कहीं कोहड़े से ही बना हुआ है, ठीक है। अगले नंबर पर मैं यहाँ ध्यान देता हूँ, है ना, यही राइटर जिनका नाम है सिगानोया, और ये एक गोबर से बना हुआ एक कलाकृति है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कलाकृति, हम लोग इसको बोल सकते हैं कलाकृति को, कलाकृति को हम लोग कह सकते हैं फैंसी मेटेरियल, है ना। चलिए देखते हैं हम लोग सिगानोया के बारे में कुछ थोड़ा बहुत जान लेते हैं, पहले राइटर के बारे में। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। द आर्टिस्ट रिटन बाय सिगानोया, इनको ऐसे सिगानोया, ऐसे नोया सिगा के नाम से लोग जानता था, वाज अ जापानीज नॉवलिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, एक जापानी नॉवलिस्ट थे और शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, है ना। एक्टिव ड्यूरिंग द ताइशो एंड शो पीरियड ऑफ जापान, जापान में जब ताइशो और शोबा नाम का जब राज्यकाल चल रहा था, उस समय के ये सक्रिय लेखक के तौर पर इन्हें जाना जाता है। इनका जन्म हुआ 20 फरवरी 1883 को, है ना, इसी नो माकी मियागी परफेक्चर जापान में, और डाइड, इनकी मृत्यु हुई है 21 अक्टूबर 1971 को, यानी 21st of October 1971 को, है ना, एटामी को, है ना, सीजो का परफेक्चर जापान में। इनका पढ़ाई लिखाई हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो, बुक्स कुछ लिखे हैं डार्क नाइट्स पासिंग, है ना। तो ये इनकी बायोग्राफी थी, आप अब उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे अच्छे ढंग से, आपको स्क्रीनशॉट इसको ले लेना चाहिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए फटाफट मैं आगे बढ़ता हूं, अब एक एक लाइन पढ़ाऊंगा, उसका स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, आप किताब भी खोल के बैठ सकते हैं, खूब बढ़िया मिलाइए, एकदम आपको पढ़ने भी आ जाएगा और आप लोग एक एक लाइन का चैप्टर का अर्थ भी आप लोग समझिएगा, खूब बढ़िया से आज एकदम क्लास चलेगी, है ना, एकदम आज डियर एकदम दिल खोल के पढ़ना है, कोई मन में संशय नहीं, अगल बगल कुछ भी शोर शराबा हो रहा है कहीं दूर हट जाओ, साइड हट जाओ और बढ़िया से बैठ के पढ़ना है, खूब मजेदार होने वाला है, खूब हंसे भी आएगी और खूब जो है अंततः हम लोगों को, है ना, रुला के गया ऐसा अंततः धुन निकलेगा तुम्हारे अंदर से। तो चलिए देखते हैं हम लोग, सबसे पहला पॉइंट आप लोगों के बीच शुरू होता है, है ना, थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूं, चलिए देखें अंदर। पहले मैं आपको बता दूं, सिब्बी एक 12 साल का लड़का है जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, प्रायः वह जो है गोबर्ड से बड़ा इंटरेस्ट रखता है ना, ही हैज डीपली इंटरेस्टेड इन गोबर्ड्स, सर्चिंग गोबर्ड्स, कलेक्टिंग गोबर्ड्स, पॉलिशिंग गोबर्ड एंड जस्ट डेकोरेटेड हिज होम विद द गोबर्ड्स, गोबर्ड से वह जो है ना कोड़ा वगैरह सब। चलिए ध्यान देते, सिब्बी पेरेंट्स न्यू दैट, सिब्बी के माता पिता इस बात को जानते थे कि ही ऑफन वेंट आउट, कि अक्सर वह बाहर जाता है, मैंने कहीं जाता है इधर उधर, कैसे कोई कोई है, हर कोई जानता है माँ बाबू के हमारे बेचवा क्या कर जाता है ना, कते टू बाय हिमसेल्फ गोबर्ड, खुद के लिए कोहड़ा खरीदने जाता है, खुद के लिए कोहड़ा खरीदने जाता है, ही गॉट देम फॉर अ फ्यू सेन, वो उसे कुछ सेन में खरीद लेता है, कुछ सेन समझते हैं आप लोग, कुछ सेन समझते हैं, सेन देखो मैं बताता हूं, सेन और एन,
इट जस्ट अ जैपनीज करेंसी लाइक दैट रुपीज एंड पैसा पैसा इज इक्वल टू सेन एंड रुपीज इज इक्वल टू एन है ना, जो मतलब जापानी मुद्रा में जो सेन है ना वो हमारे भारतीय मुद्रा में जो पैसा के मूल्य है ना उस तरह से वहां सेन का काम करता है, और जो एन है ना जो भारतीय मुद्रा में रुपया जो वैल्यू रखता है उस तरह से जापानी मुद्रा में एन अपना वैल्यू रखता है। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। यहां से कहा जाता है कि ही गॉट देम अ फ्यू सेन, वो कुछ जापानी पैसों में इसे खरीद लेता था है ना, एंड शून हैड ए साइजेबल कलेक्शन, देखते देखते अरे बाप ओकरा भी इतना मनी कोहड़ा आ गया, का इतना जरूरत था उसका कोहड़ा रखे के है ना, साइजेबल कलेक्शन हो गया, उसके पास अच्छा खासा संग्रह हो गया, बहुत ज्यादा हो गया उसके पास। कहते हैं व्हेन ही केम होम, जब वह घर आता तो ही वुड फर्स्ट बोर अ नेट होल इन द टॉप ऑफ द गोबर, सबसे पहले वो कोहड़ा लाता, कोहड़ा के बीच में छेद करता और उसमें के सारा सीड्स को बाहर निकाल देता है ना, एंड एक्सट्रेक्ट द सीड, और सारे बीज को बाहर निकाल देता। ऐसा क्यों करता पता चलता है, देखिए नेक्स्ट ही अप्लाइड टी लीव्स, और आगे चल के उसमें वह सूखी हुई चाय पत्तियों को उसमें डालता, टू गेट रीड ऑफ द अनप्लीजेंट गोबर स्मेल, ताकि वो अनप्लीजेंट जो गोबर स्मेल है, जो कोहड़ा का जो स्मेल आ रहा है जिसको मार रहा था लग रहा है, उस स्मेल से बचने के लिए पहले चाय पत्ती डाल के उसको उसमें से सारा कोहड़ा वगैरह को निकाल, मतलब उसको गुदा वगैरह जो होता था उसके अंदर जो भी था उसको बाहर निकाल लेता है ना, ताकि वह अच्छे ढंग से मतलब उसको देखे तो उसको मतलब उसको स्मेल ना लगे उस चीज का, क्योंकि अंदर पे गुदा होता है, गुदा रख देने के बाद उसने लगता था स्मेल उसी से होता है, उस चीज को निकाल देगा तो स्मेल नहीं होगा, ये बात इसको पता था। कहा जाता है अब बताओ, सबके माता पिता को मालूम होता है कि हमार लड़का जाएगा तो बाजार से का खरीदेगा है ना, बाजार से जनरली कंघी खरीदेगा, नहीं होगा तो ड्यूड्रेंट खरीदेगा, नहीं होगा तो सेटवेट खरीदेगा, बहुत ज्यादा होगा तो सीमूम खरीदेगा है ना, या फिर मोबाइल वाले के चक्कर में, बाइकों के चक्कर में, मैं माता पिता यही जानता है कि हमारे बाल बच्चा यही कर सकता है ना बाहर जाके अक्सर, लेकिन ये बेटा का करता था शहर में कोहड़ा खोजे निकलता था है ना, तुम लोग किसको पता नहीं किसको खोजने निकलते हो, कहते हो ढूंढ रहा हूं मैं कहां हो तुम है ना, लेकिन ये ऐसा नहीं करता, ये भी ऐसा ही था है ना, ये भी ढूंढते रहता था लेकिन ये उसे नहीं करता है ना, ये बस इस चीजों को नहीं ढूंढे मुझे तेरे यार गलियां, ऐसा कुछ नहीं करता था, ये बस गोबर के पीछे पागल था, उसी को ढूंढता। कहते हैं ही देन फेच द सेक है ना, तब वह जो है अपने पिताजी जो रात पौवा ढारते उठते होंगे है ना, तो तनी मनी गिलसवा में बच जाता होगा है ना, तो वही सुबह उठता होगा तो तनी मनी दो चार चुरुआ जो ओकरा में होता होगा ओकरा अलगे रख लेता होगा, ताकि उसको आप लोग तो जानबे करते हैं अगर फर्नीचर को चमकाना है तो उसमें अल्कोहल होना चाहिए, चाहे अल्कोहल ताड़ी के मात्रा में हो, शराब हो या फिर कोई स्पिरिट हो, तभी जाके कोई अगर ऐसा बच्चा होगा जो जानता होगा कि अल्कोहल से चीजें साफ होती हैं, तो उसी कारण से जाहिर तौर पर है कि लकड़ी पर अगर बढ़िया पॉलिशिंग देना है तो ऐसा होता है। कहते हैं आप लोग के सामने विच इज सेव्ड अप फ्रॉम द ड्रैग्स इन हिज फादर्स कप, जो अपने पिता के कप से बचा कर लाया, जो अपने पिता के कप से बचा कर लाया करता था हमेशा, एंड चीयरफुली पॉलिश द सरफेस, चुपचाप एकदम हंसते हुए है ना, सवारना है तुझे सवारना है तुझे, ऐसा करके उसको खूब बढ़िया से पॉलिश लगाते रहता था। कहते हैं सिब्बी वाज पैशनेटली इंटरेस्टेड इन गोबर्स, सिब्बी को कदुओं में बड़ा गहरा रुचि था। आजकल की उम्र में बच्चों को किस चीज में गहरा रुचि है बताने की जरूरत नहीं है, सोशल मीडिया में रुचि होगा या अपने अपोजिट जेंडर में उसको बहुत रुचि होता है या फिर किसी और सब्जेक्ट में उसको बड़ा रुचि रहता होगा, इसके अलावा नौजवानों की रुचि कहीं नहीं होती है, लेकिन ये छोड़ा जो था इसको रुचि कोहड़ा में था, गोबर्स में था बहुत ज्यादा। कहते हैं वन डे एज ही वाज स्ट्रोलिंग अलोंग द बीच, एक दिन वह बीच पर ऐसे ही घूम रहा था है ना, कम ऑन द बीच फोटो मेरी खींच है ना, ऐसा उसा कर रहा था। कहते हैं अब्सॉर्ब्ड इन फेवरेट सब्जेक्ट, अपने ही मस्त था, मगन था अपने फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में सोचे जा रहा था। कैसे आप लोग रहते हैं कहीं भी रहो लेकिन 360 डिग्री पे आपका 360 डिग्री जो एंगल होता है उस पे आपका माथा काम करता है, तुम जैसा नेचर के हो तुमको बार बार वही चीज दिमाग में आता है, हमेशा हमेशा के लिए आता है, नहीं आता है, तुम कितना ही पढ़े लिखे रहो कुछ दिन दिमाग भटकेगा तो लगेगा कि अरे यार आज फलना के देखे, अरे वाह क्या बात है ना, मतलब यही बात है, आज हम बाजार में फलना, लड़कियों का तो अलग रहता है, आज मैं बाजार में फलना लिपस्टिक देखी हूँ
है ना, अब उसको उसका दिमाग लगा हुआ रहता है। तो ऐसे ही सबका दिमाग अपने फेवरेट चीजों में रहता है। मेरा दिमाग जानते हो हमेशा किस चीज में रहता है, कि सब्जेक्ट्स को और कैसे रसीला बनाया जाए, क्या किया जाए उसके लिए। मैं एनिमेशन वगैरह का भी प्लान सोच रहा था, लेकिन बजट नहीं उतना है ना, तो इस वजह से ऐसा होता है ना। एनिमेशन में इसका एनिमेशन बनाता आप लोग का स्टोरी बाय स्टोरी वगैरह का, लेकिन वो हो नहीं सकता है ना। चलिए देखते होगा भविष्य में, आप लोग चाहोगे तो सब होगा भाई। इतना दूर तक आप ही लोग के प्यार दुलार से हम पहुंचे हैं, तो आगे और भी शिखर तक जा सकते हैं अगर आपका सहयोग समर्थन रहेगा तो, है ना। कहा जाता है कि ही वाज स्टार्टलेड बाय अनयूजुअल साइट। अचानक उसका दिमाग जो था जा रहा था अचानक, है ना, देख लिया। कहते हैं ही कॉट अ ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड। अचानक वो गंजे इंसान को देखा, एक टकला भी टकला आदमी को देखा, है ना, कहा आहा, है ना, ये हाफ माइंड टकला HMT कौन है जी, है ना। कहते हैं इन ग्लटेड बेहेड ऑफ एन ओल्ड मैन। लंबा आदमी था, लंबा ऐसे चौड़ा शरीर था, ऊपर से एकदम मतलब मानो तो हम गंजा टाइप के दिख रहा था। कहते हैं हॉरिंग आउट ऑफ वन ऑफ द हर्ट्स बाय द बीच। वह अपने समुद्र तट पर जो उसकी हर्ट्स जो थी, झोपड़ी जो थी, बना हुआ कुटिया था, उसमें से वो जल्दी 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 निकल रहा था। तो जैसे 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 वो जा रहा था, सर उसका ऐसे ऐसे हो रहा, बूढ़ा आदमी चलता है तो उसका पूरा दहिया लपता है ना, ऐसा होता है ना। तो बेचारा जो था ऐसे ही चल रहा था, अचानक इसको लगा कि अरे यार, उसको लगा ना कि एक तो कि टकला था, लंबा मुंह था, तो उसको लगा कि कोड़वा करे जा रहा है, ऐसा लगा उसको, है ना। कहते हैं व्हाट ए स्प्लेंडेड गोबर। देखते कहा वाह क्या शानदार कोड़ा है, है ना। थाउट से भी कैसा लगा। द ओल्ड मैन डिसअपीयर्ड फ्रॉम द साइट। तभी बूढ़ा आदमी देखते देखते नजरों से ओझल हो, है ना, दिखाई नहीं दिया, गया चला गया कहीं, चला गया कहीं। Wanging his bald pine plate, अपना सर को आगे पीछे हिलाते हिलाते निकल गया कहीं, है ना। कहते हैं only then did Sibby realize his mistake। तभी Sibby जो है वह अपना mistake को realize किया। Sibby जो था वह अपना mistake को realize किया, यानी Sibby को ऐसा गलती हुआ, Sibby ऐसा realize किया कि वो क्या सोच रहा है बेचारा, है ना। कहते हैं and stood there laughing loudly to himself, और खुद पर खड़ा होकर हंसने लगा, हाय बुद्धू ये क्या सोच रहे थे, उम्र में कितना बड़ा है बाबा जी हैं, और उसके बारे में मैं सोच रहा था कोड़ा है, है ना। तो भाई तो गलत बात जा रहा था ना। कहते ही लाफ्ड ऑल द वे होम, है ना, वो सारे रास्ते हंसते हुए ही गया, हंसते हंसते जा रहा था। माय गॉड, है ना, हम बुढ़वा का समय ले ली कि उजे ऐसे, है ना, ऐसा था। अब अपना बात देखते जा रहा। चलिए कहते हैं whenever he passed a grocery, जब भी वो किसी सब्जी वाला के यहाँ से गुजरता, जेकरा नेनुआ तरकारी भंटा राम तो रही है ना, मतलब जो भी तरह तरह के आलू भंटा जो भी बिकते रहता है ना। अ कॉरियो शॉप, कलाकृति के दुकान से गुजरता, अ कन्फेक्शनर, है ना, या फिर किसी हलवाई के दुकान से गुजरता। इन फैक्ट एनी प्लेस दैट सोल्ड गोबर, वास्तव में कहा जाए तो जितना जगह कोड़ा बिकता था, जितना जगह कोड़ा बिकता था, है ना। कहते हैं ही स्टूड फॉर मिनट्स ऑन एंड, तो वह अंत, तो वह वहां पर एंड में यानी दुकान के अंतिम छोर पर खड़ा हो जाता, चुपचाप टुकुर 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 देखते रहे, है ना, कि भाई एक में कौन कोहरा बेहतर है। कहा जाता है कि हिज आई ग्लूज टू द विंडो, उसकी आंखें जो थी उस मतलब दुकान के जो खिड़की था उसी पर टिक जाता था। कहते हैं Aspiring the precious fruit, और वह अपने उस अमूल्य जो खजाना, उसका जो फल था, उस पे उसकी आंखें टिक जाती। कैसे तुम लोग है, तुम लोगों की आंखें भी टिकती है, जो चीज तुमको मन पसंद है उसके लिए तुम इंतजार करते हो, जगह जगह तुरा पता होता है कि फलना फलना जगह वो हमारा भेंट होगा, तो उस जगह पर जाके बैठे रहते हो। जैसे आज के जमाना में जो आजकल के चौराहा में बैठने वाला जो अवरण लौंडवन होता है, उसको क्या चाहत होता है, है ना, कोई भी गुजर रहा इधर उधर से तो उसको बैठ के उतारेगा, देखेगा, अब बेचारा देखेगा कि अभी ई जगह पे एक टाइम हो रहा था, वहां जगह खड़ा रहेगा, उस जगह पे उसका टाइम हो रहा था, मैंने हर जगह पे जाके खड़ा रहता, क्यों, क्योंकि उस चीज में उसको इंटरेस्ट है। तो उसी तरह से एक रो इंटरेस्ट खूब था, जहां जहां कोहड़ा बिकता था बेचारा वहां वहां पहुंच जाता था, देख कैसा कैसा कोहड़ा है, अरे वाह क्या लाजवाब कोहड़ा है, वाह बहुत बढ़िया, अच्छा अच्छा कोहड़ा है। सीबी वाज 12 इयर्स ओल्ड, सीबी 12 साल का लड़का था।
एंड स्टिल एट प्राइमरी स्कूल, अब प्राइमरी स्कूल में अभी भी पढ़ाई अपना कर रहा था। आफ्टर क्लास, क्लास के बाद इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विद द अदर चिल्ड्रन, दूसरा बच्चा के साथ, हर कोई यार छुट्टी होता है तो हर बच्चा प्लानिंग करता है क्रिकेट खेलने जाएंगे, चेस खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सहेली से गप्पे मारेंगे, ऐसा हर कोई सोचता है। बट वो है ना, बट वो ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्यों है ना। तो ये हम लोगों को ये चीज समझने वाली बात है कि भाई लड़का थोड़ा सा लग रहा है कि अलग टाइप का है, जो अलग दिखता है भाई कमाल वही करता है ना। चलिए आइए ध्यान देते हैं, अब पसंद आ रहा हो वीडियो एकदम लाइक, एक लाइक देना चाहिए, एकदम शेयर करना चाहिए। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए आप, है ना। कहा जा रहा है कि ही यूजुअली वांडर्ड अबाउट द टाउन लुकिंग फॉर द गॉड, हमेशा हमेशा इधर उधर टहलते रहता, घूमते रहता है ना, हर मतलब शहर के हर कोना में वो केवल कोहरे के चक्कर में बेचारा जो है टहलते रहता है ना। आओ गाते चलता, तेरी गलियां गलियां तेरी गलियां, मुझको भावे तेरी गलियां, है ना। इस तरह के गीतों को गाते रहता। देन इन द इवनिंग ही वुड सिट क्रॉस लेग्ड इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, और तभी वो शाम के समय माने जो इवनिंग में कॉर्नर रूम होता था, उस कॉर्नर रूम में वो बेचारा जो है अपना पलाथी तो मैं दिखा नहीं सकता अपना, है ना, तो मान लो तुम लोग भी पलाथी मार के बैठवे करता होगा, है ना। तो क्रॉस लेग मतलब ये होता है पलाथी मार के, मैंने पैर को आगे पीछे घुसा के, इन द कॉर्नर ऑफ द लिविंग रूम, अपने ही लिविंग रूम के कोना में बैठ जाता, वर्किंग ऑन हिज न्यूली एक्वायर्ड फ्रूट, जो न्यूली माने नया फ्रूट जो एक्वायर्ड किया, जो उसको मिला आज, उस पर काम करता, काम के रूप में उसको पॉलिश करता, उसको खूब चमकाता, उसको एकदम लगता कि आह कहां से तुम आ गया, उसको मैं बहुत उस पर मेहनत करता हूँ। तुम लोगों को लगता है ये कोई काम कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, विदेशों में इस चीज का बड़ा डिमांड है, भारत में ही जो है ना वीआईपी लोग इस चीज का बड़ा डिमांड करते हैं। चलिए ध्यान देते, कहा जा रहा है व्हेन ही फिनिश्ड ट्रीटिंग इट, जब उसको लगता कि हाँ इस पर काम हो गया, बढ़िया से वो काम धाम पूरा कर लिया, तो ही पोर्ड इन अ लिटिल शेक, तो उसमें थोड़ा सा शराब डालता, शराब से जानते हैं चीजें चमक बढ़ जाती है, इसलिए वो चमक बढ़ा देता है उसको, अल्कोहल यहाँ पर मान के चलो, इंसर्टेड अ क्रॉक स्टॉपर विच ही हैड फैशन्ड हिमसेल्फ, है ना, उसके ऊपर लकड़ी का एक ठेपी लगाता है, इसको कॉर्क बोला जाता है ना, और लगाने के बाद जिसको वह खुद तैयार किया था, बढ़िया से एकदम खूब बढ़िया से कॉर्क लगाया था, किसी को ऊपर ठेपा लगाया था। कहते हैं ब्रैप्ड इट इन ए टॉवल, इसको टॉवल में एक तौलिए में इसको लपेट उपेट देता, पुट दिस इन अ टीन स्पेशली केप, तो उसको एक टीन में रख देता जो कि खास करके सर्कुल यहां रखता। कहते हैं फॉर द पर्पस, और खास बात यही है कि उसका एक ही उद्देश्य था उस टीन को रखने का, एंड फाइनली प्लेस द होल थिंग इन द चारकोल फुट वार्मर, है ना, और सारी चीजें जो है वो चारकोल फुट वार्मर, एक देखो अंग्रेजों के घर में या विदेश के घरों में आप लोग ऐसे मूवीज में भी देखे होंगे, एक हमेशा जो है जलते रहता है फुट वार्मर टाइप का, आग लगा दो कोना में कहीं जल रहा है, उसका अलग ही चिमनी रहता है ऊपर से निकलने का, एवेपोरेट होने का, तो ऐसा रख के मैंने उसको पे गर्म होने के लिए टीना को रख के पूरी रात छोड़ देता। देन ही वेंट टू बेड, तब वो सोने चला जाता, सभी को गुड नाइट कर देता और सोने चला जाता, है ना। कहा जाता है आप लोगों के बीच एज सून एज ही वॉक द नेक्स्ट मॉर्निंग, जैसे ही अगले सुबह उठता, सुबह सुबह उसका नींद खुलता है ना, जागिए ब्रिजलाल वाला गाना सुनता तो उसका हो जाता, ही वुड ओपन द टीन, वो टीन खोलता एंड एग्जामिन द गोबर, और कोहरे को बढ़िया से चेक करता है ना। कहते हैं द स्किन वुड बी थ्रूली डैम्प फ्रॉम द ओवरनाइट ट्रीटमेंट, और उसका जो स्किन था वो पूरे रात के ट्रीटमेंट में काफी मुलायम नाजुक हो जाता है। अभी सर रात पर कोई चीज के गीला करके छोड़ दो तो फूल जाता है, आराम से वो चीज कवर सकता है कहीं से, है ना। कहता है सिब्बी वुड गेज, है ना, एडोरिंगली एट हिज ट्रेजर, सिब्बी अपने उस खजाने ट्रेजर, उस जो अनमोल धन था उसको पे टुकुर 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 ऐसे काटक टकर देखा था, है ना, बेचारा देख रहा था, तो हम पूछे का मन करते हम उसे पूछ दिए। कहा जाता है बिफोर टाइंग अ स्ट्रिंग राउंड द मिडिल, और वो क्या करता कि उसके बीच में वह धागा बांध देता, बीच में धागा बांध देता कोहड़ा में। कहते हैं एंड हैंगिंग इट इन द सन टू ड्राई, और उसको ले जाके है ना मतलब धूपा में उसको धागा को टांग देता सुखौता बनाने के लिए, आम भाषा में सुखौता बोला जाता है। हम लोग भी घर में क्या करते हैं, कोई सब्जी अगर बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, बहुत खाना है, अभी वो सस्ती चल रही है, तो इसके लिए क्या करते हैं, बढ़िया ज्यादा खरीद लेते हैं,
उसको सुखा के उसको टांग देते हैं। गोभी वगैरह के सुखौता आप लोग देखे ही होंगे, जिस सीजन में गोभी नहीं होती उस सीजन में कहीं गोभी मिल रहा है तो समझो सुखौता ही तुमको खिला रहा है, गर्म पानी में डाल दो फिर से वही रस उसमें आ जाता है। वही बेचारा वो करता सुखौता बना देता, देन ही सेट फॉर स्कूल, तब वो स्कूल के लिए निकल जाता है ना। ये सब होकर दैनिक जीवन है जो आपसे चर्चा में आ रही है, अभी रूटीन उसका केवल बताया जा रहा है, अभी कहानी स्टार्ट कहाँ हुई है, अभी तो ये बताया जा रहा है कौन है क्या करता है नहीं करता, बस स्टोरी तो अब शुरू होगी। सिब्बी लिव्ड इन हार्वर्ड टाउन, सिब्बी एक बंदरगाह शहर में रहता था। बंदरगाह समझते हैं जहाँ चारों तरफ पानी हो, मतलब पानी वाला जगह हो, जहाँ पानी के जहाजों का बेड़ा लगता हो, है ना, फ्लेटर्स उसका हो वहाँ बहुत ज्यादा, और उसी जगह को पतन भी कहा जाता है ना, हार्बर उसको बोलते हैं। ऑल दो इट वॉज ऑफिशियली सिटी, फिर भी ये आधिकारिक रूप से एक शहर था क्योंकि छोटा था, टापू जैसा था, लोगों का आबादी था तो शहर था। कहते वन कुड वॉक फ्रॉम वन इन टू अनदर इन अ मैटर ऑफ 20 मिनट्स, कोई भी आदमी जो था उस शहर को एक मिनट में, 20 मिनट्स में एक छोर से दूसरे छोर जा सकता। अरे ये तो आपके शहर से भी छोटा हो गया ना, सोचो ऐसा शहर था। कहते हैं सिब्बी वाज ऑलवेज वॉन्डरिंग अबाउट द स्ट्रीट, सिब्बी हमेशा गलियों में भटकते रहता है, इधर इधर है ना, अनचाहो गलियों में है ना भटकते रहता है बेचारा। एंड हैड सून कम टू नो, और तब वो शीघ्र जान गया इस बात को कि एवरी प्लेस दैट सोल्ड गोबर्ड, कि हर वो जगह जहां कद्दू बिकता है, एंड टू रिकॉग्नाइज ऑलमोस्ट एवरी गोबर्ड ऑन द मार्केट, है ना, और करीब करीब हर कोहड़ा को, जैसे मार्केट में जितना भी कोहड़ा था उसको वह जो है धीरे धीरे पहचानने लगा, जानने लगा। कहते ही डिड नॉट केयर मच अबाउट द ओल्ड, वह उन कोहड़ों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था जो पुराने, पुराने नहीं कहेंगे जो पक जाते थे, पका हुआ कोहड़ा को कुछ नहीं, कच्चा कचगर कोहड़ा उसको अच्छा लगता था। कहते हैं नारल्ड, और जो थोड़ा सा ऐंठ जाता है गठीला टाइप का है ना, पिकुलरली फॉर्म्ड या फिर अजीब टाइप के ऐसे वैसे शक्ल में बढ़िया ना हो, उस कोहड़ों को पसंद नहीं करता था। यूजुअली फेवर्ड बाय कलेक्टर, या फिर जहां वो खरीदने जाता था वहां का जो कलेक्टर था, जो सब्जी उब्जी बेचता था, संग्रह करता, जो बेच रहा था गोबर को, वो जो देता ना, दिखाता ना कि देखा बाबू कैसा ना, वो तो खास करके नहीं लेता। कैसे हमारी घर की जो महिलाएं होती हैं वो जनरली सब्जी लाने जाती हैं तो क्या करती हैं, अगर जो सब्जी वाला सब्जी चढ़ा दिया है, फल वाला जो फल चढ़ा दिया है, वो फल लेवे नहीं करती, कहते ना एक तू रखा पहले हम अपने चुनम। तो वही बात यहाँ पर है कि जो भी फेवर्ड यानी उसको पहले दिया जाता है जो भी कलेक्टर के द्वारा, उसको पसंद नहीं करता। कहते द टाइप दैट अपील टू सिब्बी वाज, सिब्बी को जैसा चीज पसंद था है ना, इवेन एंड सिमेट्रिकल, वो चीज था कि एक बढ़िया नॉर्मल टाइप का दिखे, बड़ा ही सिमेट्रिकल हो, सुगठित हो, मैंने बढ़िया उसका डील डॉल अच्छा ढंग का उसका रूप रंग होना चाहिए, ऐसू केकरो हम पसंद नहीं कर लेंगे, बढ़िया दिखनी चाहिए है ना। तो वो बढ़िया देखने के फेर में वो जो है इन चीजों को छोड़ता था, खास करके वो जो ओल्ड हो जाता है, नारल्ड हो जाता है, या पिकुलरली फॉर्मेट रहता है, या यूजुअली फेवर्ड बाई कलेक्टर्स रहता है, उन चीजों को वह यूजुअली जो है छोड़ छाड़ देता, उन चीजों को वह ज्यादा लेकर नहीं चलता। कहते हैं दैट यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वंस, ये जो देखिए अब यहाँ पर ऐसा है ना, थोड़ा सा पॉइंट यहाँ पर मैं समझा दूं कि ये लाइन आ कहाँ से। अब उसके घर में एक दिन उसके पिता के दोस्त हैं, तो वो देखते ही कहते हैं, खैर पिता के दोस्त अपने आप को बाप से कम नहीं समझता है ना, लेकिन कही बात रहता है कि तुम्हारा बाप है, वो इतना कैसे समझाता है, लेकिन क्या कर उनको बोल भी नहीं सकता, बोल देगा बाबू से, कह देगा बाबू दोस्त के बेइज्जती कैसे, तो नहीं के दोस्त के बेइज्जती हो जाए तो से बर्दाश्त नहीं होता है, वैसे बाबू के दोस्त है उनको उतनी इज्जत है ना, इसलिए भलाई इसी में है कि उनसे दूर से इज्जत देकर कट जाओ। चलिए कहते हैं दैट यंगस्टर ऑफ योर्स ओनली सीम्स टू लाइक द ऑर्डिनरी लुकिंग वन, कहा जाता है वो बोलते वहां बैठ के कि अरे ये तुम्हारा जो छोना है, तुम्हारा जो लड़का है, ये अक्सर क्या करते रहता है भाई, है ना, ये बड़ा ही मतलब बड़ा सामान्य सा दिखता है, ऑर्डिनरी दिखता है, ये करते क्या रहता है। Said a friend of his father, उसके पिता के एक दोस्त ने कहा, कहा जाता है who had come to call, जो कि मिलने आया था, he pointed at the boy, वो लड़का पे इसे इशारा किया कि यही लड़का है जो देख रहा है, इन्होंने कुछ देखा तोरे घर है ना, तो ऐसा बात है। कहा जाता है who was sitting in the corner busily polishing a plain round goblet, जो कि कोना में बैठा हुआ था और बड़ा व्यस्त था,
कोहरा को चमकाने में पलाथी मार के खूब बढ़िया से वह चमचमाते हुए चमका रहा। कहा जाता है फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक दैट विथ गोबर्ट। कहा जाता है फैंसी अ लैड, कहते हैं कि वो लड़के जो थे वो आकर्षित, मैंने वो लड़के को इस काम को करते हुए बड़ा आकर्षित हो रहे, है ना। या फिर बात क्या है, सुनिए पहले बढ़िया से। कहा जाता है अब सैड हिज फादर, उसके पिता बोल रहे हैं इस बात को, फैंसी अ लैड स्पेंडिंग हिज टाइम प्लेइंग अराउंड लाइक विद द गोबर्ट्स। अरे भाई लड़का है, इसको ऐसा काम करने में मजा आता है, शायद ऐसे काम में इसको मन लगता है, ऐसा काम इसको आकर्षित करता है। उसके पिता जो है उसको ऐसा बात बोलते हैं, गिविंग सिब्बी अ डिस्कस्ट लुक, सिब्बी पे इसे खुरते हैं। एकरा हम कहे हैं कि ये सब काम में इसको बड़ा मन लगता है, ठीक लगा लो मन लगा लो, है ना। अब बाप के ऐसा कहना, मीठे मीठे बड़ा कुछ बात कह जाता है। कहते हैं सी हियर सिब्बी माय लैड, है ना, सेड द फ्रेंड, पिता के दोस्त ने कहा, ए सिब्बी अरे मेरे बच्चे यहां पर ध्यान दो, देयर नो यू जस्ट कलेक्टिंग लॉट्स ऑफ दोस थिंग, इतना पूरा घर सजे ले है तू कोहड़ा से, इतने सारे चीजों का, लॉट्स ऑफ दोस थिंग्स, इन सारे चीजों का क्या जरूरत है। कहते हैं इट्स नॉट द क्वांटिटी दैट काउंट्स, ये इतना है जिसकी गिनती ही नहीं की जा सकती है बेटा, क्वांटिटी दैट नॉट काउंट्स, गिन नहीं सकते हैं, इतना सारा है यहाँ पे, यू नो, तुम जानते हो, है ना, तुम जानते हो बेटा, इतना सारा तुम कोहड़ा घर में, तुम्हारे रूम में कोई घुस जाए तो तकिया के नीचे कोहड़ा है, पलंग के नीचे कोहड़ा है, पूरा खिड़की के कोहड़ा है, अलग अलग डिजाइन बना बना के कोहड़ा रख ले। तो वही कह रहे थे कि बेटा जो तुम्हारा पसंद है एगो दुखो उसको रखो ना, बाकी के छोड़ दो, सबके तुम फिर में कह ला। तो सिब्बी उसको बोला, है ना, व्हाट डू यू वांट टू डू इज टू फाइंड वन और टू रियली यूजबल वंस, जो भी रियली यूजबल वंस है, जो भी प्रयोग के लायक है, है ना, उसको तुम जो है व्हाट डू यू वांट, है ना, जो तुम चाहते हो, है ना, वो चीज जो है मतलब एक आध वो रखो बेटा, बाकी के छोड़ दो। अब सिब्बी के तो भाई लग गया, है ना, जैसे अब कोई समझा दे माता पिता के अलावे, कह रहे हो फिर में कह लाए, है ना, माथा गरम तोरा का जाई थो तोर खाई थी, आओ जाओ लन थन, आई प्रीफर दिस काइंड। सिब्बी बोला सुन हो कने जाई थे रे देखा, है ना, हमको ऐसा पसंद है। सेड सिब्बी एंड लेट द मैटर ड्रॉप, और सिब्बी बोला कि मामला आइजे दबा दीजिए, अला है चाय पिए, पी के जा ना, बहुत कुछ पिया था वो, जा यहां से, समझ ला। अब सिब्बी जो ऐसे बोल दिया भाई, लगा उनको कि तो लड़का हमरो साथ है, चुप हो गया। सिब्बी फादर एंड हिज फ्रेंड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट गोबर्ट, सिब्बी के पिता और सिब्बी के पिता के जो दोस्त थे वो आपस में कुछ कोहड़ा के ही बारे में चर्चा करने लगे। कैसे लेकिन डटाता फटाता है तो फिर कह जाता है कि अरे यार क्या कहें, है ना, फला जगह दुकान खोल दिया है, ओकरे में सब जाके लगता है, तू कहेगा कि हाँ हमरो बेटा वही पड़ जाता है, मैंने अब चर्चा शुरू हो गया। तो ऐसे ही दो जेंट्स में चर्चा शुरू हो गया अपने बेटे को लेकर, उन्होंने स्टार्ट किया, रिमेंबर दैट बेकिंग गोबर्ट दे हैड एट एग्रीकल्चर शो लास्ट स्प्रिंग। कहते हैं तुमको याद है एक बेकिंग कोहड़ा के बारे में, एक कोहड़ा का नस्ल है बेकिंग गोबर्ट, याद है तुमको उस कोहड़ा के बारे में, है ना, जो लास्ट स्प्रिंग के माने पिछला बसंत में जो कृषि प्रदर्शनी हुई थी, एग्रीकल्चरल शो, कृषि प्रदर्शनी लगी थी, उसमें वो था, है ना। सैड इज फादर, पिता ने कहा It was really beauty, wasn't it? सुंदर था ना, मैंने वो पिता उसको बोल रहे कि सुंदर था ना। उसके दोस्त बोलते हैं Yes, I remember that big long one. हाँ वो बड़ा बड़ा लंबा वाला ना, हाँ हमरा याद है। As Sibby listened to their conversation, Sibby भी वही जब बैठल था तब गते गते कान से लगा के उनकर बतिया सुन ही रहा था, कहे कोई भी इंसान अपना बात ही सुनता है ना, वो लगातार अपना बात जो है सुनते जा रहे थे। He was laughing inwardly, वो अंदर ही अंदर बहुत हंसते जा रहा था, है ना, मुस्कुराते जा रहा था। The baking gobert had made quite a stir at time, है ना, वह baking gobert जो है यानी कि baking कद्दू जो है वह stir at a time, है ना, मतलब उस चर्चा का विषय, कहें कि वो कोहड़ा जो था उतना बड़ा वो प्रदर्शनी में सबका ध्यान आकर्षित कर रहा था क्योंकि वो चर्चा का विषय बन रहा था, है ना। बताते हैं आप लोगों के बीच, having no idea of course who baking gobert might be, सिबी मन सोच रहा है कि दोनों लोलवन के तब पता है नहीं कि कोहड़ा कैसन होता है,
ये लोग क्या जाने कोहड़ा के बारे में क्या होता है ना, और आए हैं बड़का यहाँ पर मुंह उठा के थोबड़ा उठा के कोहड़ा के बारे में चर्चा कर। कहा जाता है ही हैड फाउंड इट रेदर स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट। उन्होंने बात बात में कह दिया कि उन्होंने स्टूपिड लुकिंग ऑब्जेक्ट माने बिल्कुल भद्दा दिखने वाला कोहड़ा को करार कर दिया कि वैसा ऑब्जेक्ट था। एंड हैड वॉक्ड आउट ऑफ द शो, और ऐसा कहते हुए प्रदर्शन से वो लोग निकल गए। ऐसा उन लोगों ने अपने चर्चा। अब सिब्बी के तो रहल नहीं गया, कैसे तोरे सामने कोई तोर है ना माने कोई जिस चीज को पसंद करते उस चीज को बुराई कर दे, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। यहाँ तो बाप है फिर भी बेटा के हिम्मत हो रहा है, देखो कितना है ना। बोल दिया कहा आई डेंट थिंक सो, हमारा डर लगा हुआ हो कहा तो नहीं जाना है, हमें ऐसा नहीं लगता। इंटरप्टेड सिब्बी, सिब्बी बीच में घुस गया, कहता है कि इट्स जस्ट अ क्लेमिक ग्रेट थिंग, वो होगा कोई बेकार चीज, कोई बेढंगा चीज होगा, फुहर चीज होगा जी, आप देख के आए होंगे हमार कोहड़ा के, आप कैसे कह सकते हैं बताइए तो, हमार कोहड़ा का थोथना आप देखे हैं जी, देखे नहीं किए हैं। फिर अब तो भाई बीच में टोक दिया, अब बाप बाप होता है, बेटा बेटा है, वैसे तो टोक दिया है। His father opened his eyes, उसके पिता ने आंखों को बड़ा चौड़ा किया एकदम ऐसा है ना, वाइड इन अ सरप्राइज एंड एंगर, एकदम सरप्राइज देखते हुए हैं, कौन बोला रे, तू बोला, अब बड़ा किसी आते हो तू बोला कैसे, व्हाट्स दैट, क्या है ये, दिस शाउटेड चिल्लाए वो, व्हेन यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, जब तुमको पता नहीं है कि किस चीज के बारे में बात हो रही है, यू वुड बेटर शट अप, तो अपना मुंह बंद रखा करो, जब तुमको पता ही नहीं है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं, तो मुंह कहला फाड़ रहा है, फाड़वाना है तो कहो फाड़ देते हैं, है ना, ऐसा वो बोले। सिब्बी डिड नॉट से अनदर वर्ड, अब सिब्बी के मुंह से होशो हवास गुम, मुंह से बोलना चाह रहा है सॉरी पिता, अब मुंह से निकल नहीं रहा बेचारा के जा का करे, है ना। अब बेचारा वो समझ गया कि अब चुप रहते हैं, ताकि पिता बार बार चेता रहे थे उसको, है ना, अब वो समझ गया कि अब चुप न रहेंगे तो सतर्क धा के मार हमारा मारेगा हमारे बाप। वन डे व्हेन ही वाज वॉकिंग अलोंग, जब वो ऐसे ही घूम रहा था है ना, एन एन प्लीमियर बैक स्ट्रीट, किसी अनजानी से गलियों में पटक पटक के घूम रहा था बेचारा है ना, मटक मटक के, ही केम अपॉन एन ओल्ड वुमन विद अ फ्रूट स्टॉल, वो एक बूढ़ी मामा के पास आया, एक वहां पर स्टॉल लगा हुआ था, उस पे एक मामा जो थी वो कदुआ बेच रही थी, माने वही सीताफल गोबड़ जो थी वो बेच रही थी है ना, लगा के वो मैंने उसको पाया कि एक ठेला लगा हुआ है, ठेला पे वह जो है बेच रही है। कहता है सी वाज सेलिंग ड्राइड परसिमोनियस एंड ऑरेंजेस, वह जो है सूखे हुए ड्राइड परसिमोनियस, सूखे हुए खजूर बेच रही थी, सूखे हुए तेंदू बेच रही थी, ऑरेंज नारंगी संतरा जो भी कहो वो बेच रही थी, मैंने ऐसा बेच रही थी वो है ना। On the shutters of the house behind the stall, उस ठेले के पीछे जो घर था, घर के पीछे बहुत बड़ा मतलब एक गोदाम था, कहता है she had hung a large cluster of gourds, large cluster of gourds, कोहड़ों का बहुत बड़ा जमावड़ा को लटका के रखी, हर कोई रहता है सामने कुछ बेच रहा है और ठेला के पीछे जो है बैक साइड में बहुत सारा माल रखता है, क्योंकि बिक जाएगा तो फिर कहाँ से तुरंत लाना पड़ेगा ना, ग्राहक का डिमांड रहेगा, तो इस वजह से वह रखी हुई थी। सिब्बी तो देख लिया, देखते कहता है कैन आई हैव अ लुक, ए मामा देख सका ही वो, दिखाऊं तो तनिए को है ना। कहा जाता है एंड सिब्बी एंड इमीडिएटली रन बिहाइंड द स्टॉल, जल्दी जल्दी जो है वो ठेला के पीछे जाके घूम घाम के वो देख रहा है, पूरा पॉइंट को समझ लिया। कहते हैं एंड बिगेन एग्जामिंग द गोबर्ड, और हर कोहड़ों को ऐसे देखने लगा जैसे मानो उसका अपना चीज जो है उसे पुकार रहा हो, और हर किसी को ऐसे कोई कोई होता है हर कोई का चेहरा देखने लगता है, तू था कौन था है ना, तो वही बात यहाँ पर है, मैं था तुम था कौन था। कहते सडनली ही कॉट साइट ऑफ वन, अचानक उसके नजरों में एक से नजर टकरा गई, यानी उसको एक लगा है ना। कहा जाता है कि विच वॉज अबाउट 5 inches लॉन्ग, जो कि 5 inch का लंबा गोल मटोल था, एंड एट अ फैट साइड लुक क्वाइट कॉमन प्लेस, और एकदम पहला बार में एकदम बड़ा नॉर्मल दिख रहा था है ना। पहली नजर तुझ पे पड़ी तो हो गया ऐसी बात, यही बात होगी।
है ना। अब यही हम लोगों को देखना है यहाँ। कहता है समथिंग अबाउट इट मेड सिब्बी हार्ट बीट फास्टर। अब कुछ तो था जो सिब्बी का दिल जोरों से धड़का, है ना। सिब्बी का जो है दिल जोरों से धड़कने लगा, मेरी यहाँ तड़पती है ना। यही बात है ना, एक कोहड़ों के बीच एक ऐसा कोहड़ा है ना। यही बात एकदम ऐसे, मैंने उसको ऐसा लगने लगा कि तुझे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। बस यही बात सिब्बी को एकदम लगा, उसका दिल जो है एकदम बीगो के मोबाइल से एकदम हार्ट बीट उसका फास्टर 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 हो गया है ना। चलिए, कहा जाता है आप लोगों के बीच सुनना है, कहते हैं हाउ मच इज दिस वन, पूछा ए मामा, एगो के कितना लेबू हो, है ना, एगो कितना हलवा बोलू ना, है ना, एगो कितना बेचबा, बोला ए मामा कितना में दीजिएगा, है ना। तो मामा ही आस्क्ड पेंटिंग आउट द बर्ड, देखिए उस शब्दों को ऐसे बोला जैसे पेंचिंग उसको हो रहा है, पेंचिंग मैंने हाँफ रहा है, पूछ रहा है ए मामा यो कोहड़ावा बहुत छोटा सा तू लड़का है, तू आया सब्जी खरीदे, चलो कोई बात नहीं है ना, आई विल लेट यू हैव इट फॉर 10 सेंट, चलो 10 सेंट दे देना, 10 सेंट मैंने जापानी पैसा, 10 सेंट दे देना, है ना। ये बड़ी खुश हुआ, 10 सेंट ठीक है मामा हम लेके आते हैं। वो कोई भोल बट्टा नहीं किया, तो पहले ही कह दे कि तू बेटा छोटा बच्चा है, तुम्हारे चलते हम जो हैं वो रेट कम करके दे रहे हैं, है ना। कहा जाता है आप लोगों के बीच इन दैट केस, इस मामले में सिबी कहता है ए मामा एक प्रॉमिस कर रहा है, अपन पोता से एक प्रॉमिस कर रहा है मामा, का हो है ना। सेड सिबी अर्जेंटली, बड़ा अर्जेंटली तत्परता से कहा इस बात को शीघ्रता से, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, वॉन्ट यू ए मामा, वादा कीजिए मामा ये कोहड़ा मेरे लिए ही रखिएगा, ये मेरी अमानत है, मैं आपके यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ, कोई कहना दिया ये मेरी है, बस तू मेरी और किसी के, मामा ऐसा नहीं कीजिए, अमानत है, मैं आता हूँ अभी, मैं आता। ये तो भाई वैसा ही डायलॉग हो रहा है जैसे फिल्मों में कैसा कोई विलन होता है, कहता है अगर मेरी बेटी से प्यार करते हो तो जाओ इतने रुपए कमा के लाओ, तो कहता है ठीक है कमा के लाएंगे, तब तक उसको मेरी अमानत बढ़िया से रखिएगा, है ना। वही बात यहाँ पर भी है, मामा उसको करिए जाओ बेटा, है ना, 10 पैसा लेके आओ, है ना। तो कह रहा है मामा अमानत रखिए, बढ़िया से रखिए, है ना। कहा जाता है आई विल बी राइट बैक विद द मनी, कहता है अभी हम आए, अब मनी के लेके आते हैं, हमको लेके जाएगा, कहेगा चला है कि नहीं, अरे भाई हमको नहीं मनी मनी पैसा पैसा पैसा, 10 सेंट, है ना, 10 रुपया, है ना। मामा कह रही हो कि 10 रुपया ले ला, है ना। कहता ही बाउड द गोबर्ड एंड टुक इट होम, तो जल्दी से है, एक मिनट सॉरी, ही डैश्ड होम, घर आया जल्दी से, है ना। एंड इन नो टाइम एट ऑल वाज बैक एट द स्टॉल, बिना समय गवाते हुए वो स्टॉल पर गया, स्टॉल समझते, बिना समय गवाते हुए वह स्टॉल पर गया, है ना। स्टॉल मतलब मतलब अरे भाई ठेला, ठेला पर गया, अब तुरंत कैसे गया होगा, जाहिर सा बात है बेटा बैंक रख ले होगा, है ना, बैंक के चाबी भुला गया होगा, तुरंत बैंक फोड़ा होगा, जितना पैसा होगा पैकेट में समेटा होगा, अब तुरंत आ गया मामा के पास, है ना, यही बाबा के पास आया तुरंत, अब ले लिया, और लेने के बाद कहते हैं ही बाउट द गोबर, कोहड़ा खरीद लिया, कहा है मामा अब दे दो, कहीं किला ले एंड टू किट ओम, और वो इसको ले दे के घरे आ गया, कहा कि चलो आज मैं तुझे लेकर सैर कराऊं, चलो उस चांद के बादलों के पार चले, है ना। अब फिर पीछे से गाना बजेगा तू मेरी महबूबा, कहते हैं फ्रॉम दैट टाइम ऑन, और उसी समय से है ना, ही वाज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गोबर्ड, नए कोहड़ा को छोड़ ही नहीं रहा था, है ना, नया नया कोहड़ा और नया नया छोड़ा, है ना, अब कोहड़ा को छोड़ ही नहीं रहा छोड़ा, है ना। कहा जाता है ही वेंट टू किट अलोंग टू स्कूल, वो उसको ले 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 चल गया स्कूल, है ना। अरे क्या हो गया, है ना, उसको सेपरेट हो ही नहीं रहा था बेचारा, कहीं भी रख रहा था कोहड़ा को, साथ निहाय जा रहा साथ कोहड़ा के बाथरूम में घुसे ले,
सूते जा रहा है तभी छोना में कोहड़ो घुसे ले, और उसको छोड़ ही नहीं रहा था, उसको एक तरह से उसको प्रेम हो गया था उस कोहड़ा के साथ, इतना लगा हो गया था कि मत पूछो। इतने नहीं का किया कि ही इवेंट टू किट अलोंग टू स्कूल, ले ले दे ओकरा पहुंच गया स्कूल, है ना, स्कूल लेके पहुंच गया। सोचो कैसे तो नहीं होता है, कोई भी नया चीज तो नहीं घर में आता है, तुमको बड़ी पसंद पड़ता है, तो लेके स्कूल में जाता है केकरा भाई, तो हालेंदर बिलेंदर के दिखाने जाता है केकरा भाई, है ना, तो मंगला जंगला को दिखाने जाती हो, है ना, तो यही होता है नया नया चीज को बैग में ठूस ठास के अपन जो है ले ले गया, क्या लेके दिखाएंगे, बढ़िया से स्कूल ले जाएंगे, है ना। सोचो कहा जाता है एकदम पसंद आ रहा हो भाई, शेयर करने से हम पीछे नहीं दौड़ना है, एम लाइक्स का बटन दबना चाहिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। एकदम देखिए मजेदार चीजों से मैं आपको समझाते जा रहा हूँ, पढ़ोगे तो ना मजेदार है, नहीं बनाना पड़ता है, हर कोई मजेदार नहीं बना सकता, ध्यान दीजिए। कहा जाता है एंड यूज टू पॉलिश इट अंडर, क्या किया कि यूज टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन हिज क्लास टाइम, क्लास टाइम में बैठ के डेस्क के नीचे, कहाँ तो नीचे डेस्क के नीचे बैठ के कोहड़ा के पॉलिश करना शुरू कर दिया। कैसे तुम लोग क्लास में बैठता है, देखता है मास्टर बाबा क्या देख रहा है, अच्छा मास्टर बाबा देख रहा है, तो टब से निकालता है नोटिफिकेशन देखता है, व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है, फेसबुक पे क्या आ रहा है, पूरा एकदम देखता है कि हम जांच करके बाहर निकलता है, एकदम इसके साथ में यही हो रहा था, है ना। चलिए कहते इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज कॉट एट हिस, चीज लंबा नहीं चला तुम सोच रहे हो बैठ के कोड़ा वोड़ा कर चमका उमका रहा होगा, पॉलिशिंग कर रहा होगा, इसी बड़े लंबा टिका होगा, ऐसा कुछ नहीं, है ना। कहते हैं कि बाय वन ऑफ द टीचर्स, है ना, वह किसी भी टीचर से, है ना, किसी भी शिक्षक के द्वारा जो है वह मतलब पकड़ा नहीं गया, मैंने वो नहीं पकड़ा गया, है ना, इस बात को आप दिमाग में रखिए, वो नहीं पकड़ा गया है तो नहीं मान लिया ना, नहीं अरे क्लास में लेकर नौटंकी कर रहा हूँ, मास्टर के नजर ना पड़े, है ना, मेरी नजरों से दूर कोई हो नहीं सकता, मैं वो आदमी हूँ जो तुम अभी क्या कर रहे हो बेटा, मैं तुम्हें भी देख पा रहा हूँ भाई, सुन लो ध्यान दीजिएगा, समझते हुए चलिएगा, आगे का पॉइंट बाय वन ऑफ द टीचर्स, एक टीचर से वो जो है पकड़ा गया, मास्टर साहब आए पीछे से कह दिए धप्पा, है ना, ल बेचारा क्यों नहीं मुंदा था, आप बेचारा धप्पा मारा गया। कहते हैं पूछते हैं बेटा, है ना, हु वाज पर्टिकुलरली इनसेन, जो मास्टर मास्टर इशू, देखो पढ़ाते टाइम मास्टर के खोपड़ी बड़ी गर्म रहता है, दिस दैट किया हर दम और रचेगा तोरा, ओका बात पूछेगा क्या रे बबुआ कहला ऐसे कर रहा, सोचो तो यही बात यू कर रहा था, सीबी भी यही काम में लगा था, है ना। तो कहा जाता है इन बिकॉज इट हैपेंड टू टेक प्लेस इन एन इथिक्स क्लास, आई वो भी कब रहा था, इथिक्स क्लास में, फिजिक्स क्लास नहीं, इथिक्स क्लास, इथिक्स, इथिक्स कहते हैं मोरल साइंस, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे मोरल साइंस, जिसमें पढ़ाया जाता है क्लास में कैसे बैठना चाहिए, रोड पे कैसे चलना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, बस यही सब सिखाया जाता है, तो यही एक सिखावल जा रहा था, इथिक्स क्लास में ये सब चर्चा चल रहा था, है ना। अब चर्चा तो चल रहा था भाई, बहुत अच्छी बात है, चर्चा चलनी भी चाहिए, है ना। कहते हैं द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ द जापान, जापान के दूसरे भाग से मास्टर साहब आए थे, एंड आई फाउंड इट द मोस्ट ऑफेंसिव दैट, और बड़ा इस चीज को जो है ना वो मान ली कि हमर क्लास में कैसे कर रहे, तुम मेरा क्लास में ऐसा काम कर सकता है, हाउ इंसल्टिंग इट इज फॉर मी, कितना मेरे लिए अपमानजनक, ऐसा वो मास्टर को। कहते हैं चिल्ड्रन शुड इन डगलस इन सच इफिमिनेट इफिमिनेट पास्ट टाइम एज कलेक्टिंग गोबर्स, वह सोच लिए कि अरे ये सब लड़का जो है अपना बीता हुआ या अपना जो है समय जो है इस प्रकार कोहड़ा जमा करने में बिताता है, पूरा गर्म हो गया भीतर से एकदम गर्म कि तू यही सब करते रहता है, बताओ तो तुमको पढ़ाई लिखाई नहीं करना है, और जा के टीचर लगता है मिलते जुलते ना जी। कहा जाता है ही नेवर माइंडेड हैविंग हिज स्टूडेंट सिंग द नानी बाबूशी बैदल हाउ एवर रैकेसली, उन्हें ऐसा कभी नहीं लगता था, जैसे उनकर लेकिन वो पहले समझते थे कि भाई उन बच्चों पर कभी नहीं खींचे आते थे, यहाँ पर लिखा हुआ नानी बाबूशी बैदल, इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं आम भाषा में कि वो नहीं मतलब गीत गाओ कुछ भी गाओ, इस चीज से वो मास्टर को फर्क नहीं पड़ता, मैंने गाना गाओ गीत गाओ कुछ बात नहीं है, चलो अपना प्रदर्शन कर रहा है कला की अलग बात है, लेकिन वो नाउ वेन ही फाउंड सिपी साइलेंटली पॉलिशिंग हिज गोबर्ट, जब वो पॉलिशिंग करते हुए गोबर्ट्स को देखे तो वो दिमाग उनको खराब कि ऐसे ही काम में है, और तुमको मन था तू गाना गा लेता, हमारा कहता है अष्टभ्य बुला के नचवा देते हम,
है ना, कि तू कौची कर रहा है, माने तुम्हारा निर्माण कार्य में तो कोई ध्यान ही नहीं है। कहते हैं हिज वॉइस ट्रेम्बल विद फ्यूरी, उनकी आवाज जो थी बड़ा कड़क थी और बड़ा गुस्से में आवाज, एकदम कस के बोले, यू आर एन इडियट, अरे मूर्ख चौपट बेशरम इंसान, इज शाउटेड, बहुत कस के चिल्लाए, देयर एब्सोल्युटली नो फ्यूचर फॉर ए बॉय लाइक यू, तुम्हारे जैसे बच्चों का कोई भविष्य नहीं होता है, अनपढ़ जाहिल कमार, माँ बाप इतना खर्चा कर रहा है, तुम यहाँ आके जो है बैठ के स्कूल में कुंडा पॉलिश कर रहा है, बेशरम कही के, माँ बाप इतना तुम पे खर्चा कर रहा है, तुम जो है अपना नेट लगा के इधर उधर देख रहा है, 2 मिनट यूट्यूब देखेगा, 2 मिनट कुछ और चीज को देखेगा, क्यों ऐसा कर रहा है? ये मैं नहीं कर रहा है ना, वो मास्टर साहब उसको करेंगे, हम तो उन्हें पे खिसी आता है, चलिए ध्यान दीजिए। कहते हैं देन एंड देयर ही कन्फेसिएटेड द गोबर, और तब वो कुहड़वा गए और उसे छीन लिया, छोड़ा ला ना, छीन लिया। ऑन विच सिबी हैड स्पेंट सो मेनी लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क, सिबी जिसके ऊपर लॉन्ग आवर्स ऑफ वर्क कई घंटा बिताया था, बहुत समय दिया था, जब आप जिसके साथ बहुत समय बिताते हो अचानक वो हमसे दूर हो जाते हैं, हाउ डू यू फील, है ना, तो आप कैसा महसूस करते हो? वैसा ही महसूस करते हो जैसे सिबी महसूस कर रहा होगा, बचपन में तो कई चीज छीनाया होगा, बचपन में मास्टर साहब जो है स्कूल वाले कई चीजों को लेकर ऑफिस में जमा किए होंगे, है ना, ऐसा होता होगा। चलिए कहता है सिबी स्टार्टेड स्ट्रीट अहेड एंड डिड नॉट क्राई, सिबी आगे देखा कुछ नहीं बोल रहा था, कहा बोलता बेचारा, काटो तो खून नहीं वो वाला हालात था, कैसे कोई लेकिन है उसको मास्टर कुछ छीन लिया, तो इतना क्लासरूम में मास्टर कुछ नहीं बोल सकता है भाई, तो क्या करता है, चुपचाप देखता रहता है, रोते रहता है, जैसे तो मास्टर को लगता है कि बेचारा पछताता, करो पछताता थोड़े कर रहा है, उसको समझे में नहीं आता कि मास्टर भाई ऐसा कर कैसे सकता है, अभी का करे कुछ, है ना। व्हेन ही गॉट होम, जब वो घर आया, सीपी फेस वाज पेल, सीपी का चेहरा फीका पड़ गया, पीला पड़ गया बेचारा, विदाउट ए वर्ड, बिना एक शब्द बोले, ही पुट हिज फुट ऑन द वार्मर, वो वहां पर रखा हुआ वार्मर के पास अपना पैर रख के सेकने लगा, मतलब जो भी था चबूतरा पर, एंड सैट लुकिंग ब्लैंकली एट द बॉल, और वो चुपचाप ऐसे जो था दीवारों के तरफ देखने लगा, कैसे कोई फिल्म में होता है अचानक कुछ छोड़ कर चली जाती है, तो वो चल रहा है पीछे से गाड़ी वाला हॉर्न दे, चाहे कोई दे, उससे क्या मतलब, गया घर चुपचाप बैठ गया, वो मुझे सुबह सुबह कैसे ब्लॉक कर सकती है, मुझे दिन कैसे कटेगा, रात कैसे कटेगा, यही बात इसके साथ होता है, कोहड़ा छीना कैसे गया मेरा, है ना। कहते हैं आफ्टर ए वाइल द टीचर अराइव्ड, ले लोचा, है ना, आफ्टर ए वाइल कुछ क्षण बाद, है ना, द टीचर अराइव्ड, मास्टर साहब भी गते गते पहुंच गए घर, होता था पहले टीचर, स्कूल के टीचर जनरली जो है ना घर पहुंच जाते हैं, बहुत शिकायत रहता था। कहा जाता है एज सीबी फादर वॉज नॉट एट होम, सीबी के पिता अभी वहां पर घर पर नहीं थे, फ्रॉम द कारपेंटर शॉप वेयर ही वर्क, जहां वो कारपेंटरी शॉप पर काम करते, बढ़ई के दुकान पे वो काम करते थे, रगड़ा पोछा का, है ना, जो भी बढ़ई थे, और अपने कारपेंटरी शॉप से लौटे रहे। द टीचर डायरेक्टली टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन हिज ऑन सीबीज मदर, मास्टर साहब ना आओ देखे ना था, सीधे कहने गए माँ, उन्हीं पे बोलना शुरू कर दिए, पूरा बोलना शुरू कर दिए, उन्होंने कहने लगे कि दिस सॉर्ट ऑफ द थिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली, इस प्रकार के चीजों का ध्यान रखना ही परिवार का कर्तव्य होता है, बच्चा हमें क्या लेके स्कूल जा रहा है, क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, आज आपका बच्चा जो है कोहड़ा लेके गया है, कल घोड़ा लेके चला जाएगा, तो इसका कौन जिम्मेदार होगा जी, घर से आप लोग कहने उसका बैग बस्ता जांच करके भेजते हैं, स्कूल में वो क्या ले जा रहा है क्या नहीं ले जा रहा है कैसे पता चलेगा टीचर को, टीचर को पढ़ाना काम है कि लेकर को बैग बस्ता देखते रहेगा, पैकेट पैकेट जांच करते रहेगा, कैसे आप लोग मास्टर गार्जियन है जी, कुछ समझ में नहीं आता है का आप लोगों को, माने टीचर थे खैर हमारे अंदर वही भाव है ना, तो हम भी वैसे ही सेम फीलिंग के साथ कह सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, ज्यादा देर नहीं है, खत्म ही है ना, बस ज्यादा नहीं है, मुश्किल से 10 to 15 मिनट, 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, है ना, आप चिंतित मत होइए, शेयर खाली करते जाओ, मेरे शेयर शेयर करते जाओ, जितना शेयर करोगे बहुत अच्छा है, हम मस्त कर दो। चलिए कहते हैं इट इज द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट टू सी, ये आप माता पिता का कर्तव्य होता है कि देखें ऐसा कैसा है, है ना, दैट सच थिंग्स डोंट हैपन, कि इस तरह की चीजें हो ना दोबारा, ऐसा आप देखिए। कहते हैं इन एन एगोनी ऑफ एम्बैरेसमेंट, बोलते हैं उनकी माँ जो है ना एम्बैरेसमेंट, बड़ा बेचारी जो है लज्जा महसूस कर रही, देखो ऐसे भी क्या होता है ना कि
घर की महिलाएं जो होती है उसको कोई कस के कोई पुरुष अगर डांट देता है तो रोने लगती है ना। जैसे अगर मान लो कि तुमको लगता है कि ना फलना कोई नहीं रोती, वो कोई ना कोई से रोती है ना। जैसे मान लो कि तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ को कभी डांट दिए तो माँ जो है बैठ कर रोने लगती है, तुम्हारी बहन को कोई तुम्हारे भैया डांट दिए कस के तो वो रोने लगेगी। माने लड़कियों को या महिलाओं को कस के कोई डांट देता है ना तो रोने लगती है उसको, खास करके वो इंसान जिससे उनको बहुत लगाव है या जिससे थोड़ा सा उनका इज्जत करने के कारण डरती है, तो उनके सामने उनका दिमाग ही काम नहीं करता, ब्लैंक हो जाता है और इस वजह से वो बैठ के रोने लगता। तो यही बात है कि भाई माँ को ऐसा लगा। सिबी मदर मटर्ड सम अपोलॉजी, सिबी की माँ जो है कुछ कुछ कहने लगी। सर जी जाए लड़का है, बच्चा है, लूर नाइस है ना, छोड़ दो है ना। इस तरह से बोलना शुरू कर दी, लड़का है सर माफ कर देती, अगला बार से गलती ना, पूरा ध्यान रखती सर जी। इस तरह से बुदबुदाने लगी बेचारी है ना कम आवाज में। अब जाहिर तौर पर माँ को समझ हड़बड़ा के बेचारी कि मास्टर है स्कूल से नाम काट देगा, लड़का के फ्यूचर का होगा, बहुत बात वो सोचने लगी है ना। ऐसे भी देखो लेकिन के फर्क नहीं पड़ता है, मास्टर कुछ कह रहे, गार्जियन को बड़ा फर्क पड़ता है। अगर गार्जियन से अगर मास्टर मिल ले ना तो गार्जियन जो है लेकिन के हलवा टाइट कर देता है ना। और गार्जियन जो है मास्टर की बड़ी इज्जत करते, तो पर मास्टर की इज्जत करो चाहे ना करो गार्जियन तो बड़ी इज्जत करते, जहां देख लेंगे चाहे जो जी देख लेंगे सर जी हैं हमारे बेटा के पढ़ाते, क्यों तुम्हारे फ्यूचर के लिए किसी भी टीचर को मतलब वो मानते हैं कि ये मेरा भविष्य निर्माता है मेरे बेटे का। सोचो यही बात रहता है, वाला कि अपने टीचर को दिए होंगे ना दिए होंगे इज्जत वो अलग बात है, लेकिन तुम्हारे टीचर को बड़ा इज्जत करते तुम्हारे माता पिता। चलिए कहते हैं सिबी वाज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज इनकॉन्स्पिशियस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर। सिबी जो था वो अपने आप को इनकॉन्स्पिशियस करने का फेर में था जहां तक हो सकता था, माने जहां तक हो सकता था वो उसे छुपने का पूरा के पूरा प्रयास कर रहा था है ना। माने वो दरवाजा होगा कहीं कोना में है ना, और उस कोना में वैसे कोई दरवाजा उरवाजा होगा और इसी कोना में वैसे छिप के देख रहा था मास्टर अरे हाजे। तो इस तरह से वह मतलब हर कोई बच्चा रहता है यार, घर पे मास्टर आ जाए तो क्या करेगा बेचारा है ना। देखिए कहते हैं कि टेरिफाइड ही ग्लांस्ड अप एट हिज द विंडिकेटिव टीचर। वह बड़ा अपने विंडिकेटिव जो बड़ा जोश जुनून में बड़ा उग्र जो मास्टर था उसके प्रति वह बड़ा ग्लांस रूप में देख रहा था है ना। यानी वो उसके प्रति जो है मैंने ऐसा देख रहा था जैसे लगा कि मास्टर जो है आज हमर काम खत्म कर देगा है ना, बड़ा उसको दिक्कत हो रहा था। कहा जाता है एंड एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड वेयर अ होल रो ऑफ फुली प्रिपेयर्ड गोबर्ड वाज हैंगिंग। और वो इस बात को लेकर डर रहा था कि मास्टर साहब एक कोड़ा को देखकर मेरे घर तक आके बवाल कर दिया है, और जो ये मास्टर खड़ा है ना ठीक कर पीठ के पीछे हजारों हजार कोहड़ा पॉलिश किया हुआ टंगा हुआ है, वो देखेगा तो क्या करेगा, हे भगवान बचा लिया हमारा हो आज मास्टर बाप अच्छे ना देता है ना। ऐसा वह बोलना शुरू कर दिया। देखा जाए सुनिएगा बढ़िया से खूब बढ़िया से ध्यान देना। कहा जाता है इसके बाद बताते हैं कि व्हाट वुड हैपन इफ द टीचर कॉट द साइट ऑफ देम। वो सोचने लगा क्या कर मास्टर साहब देख लेंगे क्या होते है बापा है ना है मैया है सब उसको लगने लगा। कहते ट्रेमलिंग इनसाइड अंदर ही अंदर बेचारा जो है कांप रहा है डर रहा है, हे गुरुजी हे भगवान 10 किलो चढ़ा भगवान जा मास्टर बाप बेटा है पर ऐसा करे सोच रहा है। He waited for the worst, सोच रहा है कि सिचुएशन अब कब बद से बदतर होगा, कब जो है हम थाप से पिटाते हैं डांट से हमारा काम चलता, अब कखनी मास्टर के लात चलेगा घर हूँ ठोकाएंगे ओ माय गॉड। कहते बट एट द लेंथ द मैन एग्जॉस्टेड हिज द रियोटिक एंड द स्टैम्प्ड एंगरली आउट ऑफ द हाउस है ना। अब मास्टर साहब जो थे मैंने बड़ा कस के वो झारे, झारने के बाद पैर पटकते हुए है ना चल दिए कहें कि आगे से आइंदा नहीं होना चाहिए, ऐसा कहते हुए घर से बाहर निकल गए। सिबी हैव्ड अ साई ऑफ रिलीफ। सिबी जो है राहत का सांस मिला, कैसे तुम लोगों को ही मिला कि भाई मास्टर साहब खड़ा होंगे कहा होगा कहा होगा, सस्पेंस थ्रिलर लग रहा था, अचानक उसको एकदम तुम लोग मेरे साथ ऐसा कर रहा हो है ना। चलिए कहते हैं सिबी मदर वाज सॉबिंग सॉफ्टली। सिबी के माँ धीरे धीरे सुबक रही थी डांट रही थी उसको है ना। इन ए क्वायर लीवर्स वाइन सी बिगेन टू स्कॉल्ड हिम। वो धीरे धीरे जो थी उसको मैंने धीरे धीरे आवाज में कपकपाते होठों से उसको डांट रही थी है ना
तब माए के इतना फर्क पड़ता, तू कहित न रह, तू और बात के इतना, तू लड़का ये दस माँ पकड़ती है, दूसरा मेटो लगाती है, लेकिन के फर्क नहीं पड़ता है ना। वही बात इसको भी लग रहा था, माँ बोल रही थी, धीरे डांट रही थी उसको कि कह रहे तू यही करेगा, नाकन कटा देगा, बाबू के पता चल तू तो क्या कर तू, है ना, इसको तोरा घर वाले रह तू धर तू तोरा तो क्या कर तू, मैंने पूरा बात जो है एकदम फैक्टुअल है ना। कहा जाता है एंड इन द मिस्ट ऑफ दिस, और इसी के बीच में अब हीरो की एंट्री हो गया कि विलन, समझना है ना। सीबी फादर रिटर्न फ्रॉम हिज शॉप, सीबी के पिता जो हैं वो शॉप से चले, यानी वह सीबी के पिता जो हैं वह अपने दुकान से चले हैं, है ना। कहा जाता है एज सून एज ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड, है ना, और ज्यों ही उन्होंने सुना क्या हुआ है, काका ये लड़का आज गुल खिला के आया है, सारे उसके गुलशन को वो मरोड़ने के लिए तैयार, है ना भाई, बहुत अच्छा है ना। चलिए बहुत अच्छा है ना, आगे पकड़ते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। अरे भाई देखो अभी तो मेन चीज शुरू है, घर घर की कहानी है ना, क्योंकि भाई हर घर की कहानी यही होती है, सुनना है। He grabbed his son by the collar and gave him a sound beating. वो अपन बेटा के पकड़े कॉलर अब बर्दम बर्फेट 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 लोला होकर टाइट कर, है ना, एकदम रगड़ कर रख दिया बेटा के, है ना। कहा जाता है यू आर नो गुड, बोले तू अच्छा नहीं है बेटा, तू एकदम लुचा है, तू अच्छा नहीं है, तू अच्छा बचा नहीं है, तू लुचा बचा है। He bawled at him, उसके ऊपर गरज गरज के बोल रहे थे, तुम अच्छे नहीं हो, you will never get anywhere in the world, दुनिया में तोरा कहीं जगह मिलतू रे, अने अरे अबर बात तोरे कह रहे हैं दुनिया में कहीं जगह मिलतू तोरा, है ना, you will never get anywhere in the world, कहीं जगह नहीं मिलेगा। The way you are carrying on, जिस राह पे तू चली थे ना बेटा, माने जिस रास्ते को तुम अपना रहे हो, है ना, आई हैव अ गुड माइंड, हमको तो दिमाग कभी कभी तो नहीं को पापा ऐसे बोलते होंगे, सुनेगा पिताजी बोलते हैं, है ना, आई हैव अ गुड माइंड, मन तो कभी कभी करण हो कि टू थ्रो यू आउट इन द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग, जहां से तू आया है ना सड़क पर, सड़क पर उठा के पे घर से भगात पे मन करता है कभी कोई तोरा, है ना, पता नहीं किस गधा के घर में तू रहता है, कौन गधा तोरा पाल के रखता है, तोरा तो घर से बाहर कर देना चाहिए, ऐसा वो बोल रहे, है ना। कहा जाता है द गोवर्ट्स ऑन द वॉल कॉट हिज अटेंशन, अचानक उसके पिता जो है उसको डांटते डांटते, पिता उसको डांटते डांटते अचानक गोवर्ट पर ध्यान चला गया, यानी कोहड़ा जितना भी टंगा हुआ था उस पे उनका ध्यान चला गया, सब फसाद के जड़े ही नहीं गए, एकरे वजह से लड़ाई होवे तड़े ना। ओके विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे ही फेस इज आर्मर, है ना, वो गए और अपना हथौड़ा ले लिए, है ना, थॉर जैसा, और नचाना शुरू किया, एकदम थॉर की तरह हथौड़ा घुमाना शुरू कर दिया, है ना, एकदम हथौड़ा धर लिए, एकदम थॉर की तरह नचाना शुरू किया, बार का जगह पर फार देना है ना। कहा जाता है कि एंड सिस्टमेटिकली असेंबल्ड देम टू पीसेस, और सभी को एक एक करके पीस बाय पीस, बोटी बाय बोटी थूर थार कर रख दिए, यानी जितना भी हजारों हजार निर्दोष अबोध कोड़ा टंगा हुआ था सभी को उसके पिता ने, है ना, मौत के घाट उतार दिया, सभी की निर्दयी रूप से हत्या कर दी। वन आफ्टर द अनदर, एक एक करके हर किसी को फोड़ दिया गया। सिबी टर्न पेल बट सेड नथिंग, सिबी जो था वो पीला पड़ गया बट कहा कुछ, सिबी जो है वो पीला पड़ गया बट कुछ भी नहीं कहा, एक लफ्ज भी नहीं बोला सिबी, चुप छाप हो गया बेचारा, कुछ नहीं बोल पाया, तो क्या बोलता, चुप छाप फीका पड़ा, कहा पिता ने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया। कहा जाता है द नेक्स्ट डे द टीचर केम, सीपी कॉन्फेसिएटेड गोवर्ट टू एन ओल्ड पोटर, अगले ही दिन सीपी के द्वारा जो छीना गया कोहड़ा था उसको मास्टर साहब ने स्कूल के ही एक ओल्ड पोटर को दे दिया, एक बूढ़े चपरासी को दे दिया, जो छीने थे कोहड़ा, कहें कि कोहड़ा का होगा, लो ले जाओ जी, है ना, ले जाओ। कहते हैं स्कूल, जो उसी स्कूल में काम करता था, जो भी बच्चा अपने पिता से कहीं मार खाया है एक एक लाइक्स तो बनता है, फटाफट दिखाई है ना, यहाँ भाई हाँ सर ठोकाए तो है, अब अहियो कभी कभी धर ले बहतुन तो का करी भाई की ना। सुनिए, हु वर्क इन द स्कूल, जो स्कूल में काम करते थे, हेयर टेक्स दिस ही सेड,
वो बोलते हैं लो इसको ले लो, है ना, एज इफ ही हैंडलिंग ओवर सम अनक्लीन ऑब्जेक्ट, जैसे दे रहे हो इसे मानो कह रहे हो कि ले जा, है ना, रख दिया उन्हें, इसे दे रहे हैं इसे मानो कि बेकार चीज है, कोई बेकार वस्तु है, उस तरह से है ना दे रहे। कहा जाता है आप लोगों के बीच, एंड हंग इट ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल सूची रूम, और वह जो है दीवार पर मैंने उसको ले गया अपना एक छोटा सा, बड़ा ही तंग उसका एक कमरा था, है ना, जो भी मिला होगा स्कूल से क्वार्टर उसी में वो ले जाके बेचारा उसको टांग दिया, है ना। अब यहाँ से कहानी नया मोड़ लेता है, बस ज्यादा नहीं, 5 मिनटों की कहानी और है, ध्यान देंगे, है ना, समझना है आप लोग, शेयर करने से पीछे नहीं हटता है दोस्त, जितना जबरदस्त आप शेयर करोगे उतना अच्छा रहेगा। हम फटाफट शेयर करते जाइए, गर्दन उड़ा दीजिए आप लोग, आप लोगों के ही वजह से मैं यहाँ पढ़ा पा रहा हूँ, आप लोगों के मैं जब ऊर्जा देखता हूँ तो लगता है कि हाँ एकदम बहुत अच्छा है। कहते हैं अबाउट 2 मंथ्स लेटर, है ना, करीब 2 महीना के बाद द पोर्टर, वो जो चपरासी था, है ना, फाइंडिंग हिमसेल्फ, वो अपने आप को पाया मोर इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी देन यूजुअल, वो अपने आप को सामान्य दिनों की तुलना में उस दिन उसको आर्थिक तंगी महसूस हुआ, उसको उस दिन हार्ड प्रेशर महसूस हुआ पैसे के लिए, है ना। डिसाइडेड टू टेक द गोबर टू अ लोकल कॉरियर शॉप टू सी, डिसाइड किया कि उस कोहड़ा को वो एक नजदीकी कॉरियो शॉप पर यानी कलाकृति के दुकान पर ले ले जाएंगे टू सी, यह देखने के लिए कि इफ ही कुड गेट अ फ्यू कॉपर्स फॉर इट, कि वो इसके लिए कितना उसको जो है तांबा, मतलब इसके लिए उसको कितना, देखिए यहाँ पर सॉरी मैं एक बात बता दूं, आप लोग नाउन पढ़े होंगे, कॉपर और कॉपर्स में भारी अंतर होता है, कॉपर और कॉपर्स में काफी भारी अंतर होता है, कॉपर का मतलब तांबा, कॉपर में जैसे ही ऐसा लगा तो उसको चांदी, सॉरी कॉपर माने होता है तांबा, कॉपर में ऐसा लगा तो अर्थ हो जाता है सिक्का, तो यहाँ पर वो देखने के लिए तो कितना सिक्का मिलता है फॉर इट। द कॉरियो डीलर एग्जामिन्ड द गोवर्ड केयरफुली, कॉरियो डीलर जो था वो बड़ा ही कोहड़ा को बड़ा ही केयरफुली, बड़ा ही मतलब केयरफुली ढंग से उसको जो है ऑब्जर्व किया, देन अम्यूजिंग एंड, और उस पर वो अम्यूज किया मैंने उसको लगा, एंड अनइंटरेस्टेड द टोन हैंडेड बैक टू द पोर्टर, वो कलाकृति दुकान वाला देखा और कहा इसका इसका मैं दूंगा आपको, आई माइट गिव यू 5 yen फॉर इट, मैं इसको आपके लिए 5 yen दूंगा, यानी जापानी रुपया दूंगा 5 रुपया। सोचिए वो 10 पैसा में खरीदा था, 10 सेन में, और अब चर्चा आ गया 5 yen देने का, माथा ठनका बुढ़ो के, बुढ़ाओ ऐसी धूपा में खाली खड़ा होकर बाल थोड़े पकाए हैं, अनुभवी आदमी है। द पोर्टर वाज एस्टोनेटेड, चपरासी का दिमाग ठनका, कहा बट बीइंग क्वाइट एंड द एस्ट्यूट ओल्ड मैन, लेकिन बूढ़ा बूढ़ा आदमी होने के नाते बड़ा गंभीरता से फैसला लिया, सोचा क्या इसी हम धूपा में खड़ा होकर थोड़ा बाल पकाए, कहा रिप्लाइड कोल्डली, बड़ा धीरता से उत्तर दिया, कहा आई सर्टेनली वुडंट पार्ट विथ इट फॉर दैट, बोला ना ना इतना में तो ना देबू जी, है ना, कुछ आओ बढ़ाओ रेट, है ना, ना मिलता वैसे। द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर टू 10 yen, देखते ही देखते वो जो डीलर था उसको कहा कि ठीक है मैं इसका 10 yen दूंगा, 10 yen मैं इसका दूंगा, यानी 10 रुपया देंगे, इसी प्राइस बढ़ा दिया। अब कहा कि ना ना देबू, बट द पोर्टर वाज स्टिल द एडमिट, लेकिन उसमें लगातार जो है सुधार चाहता था, अपने बात पे अड़ा रहना चाहता था, कहता था कि ना आओ तो नहीं पढ़ाइए हमारे, इन द एंड मैंने गया 10 गया 15 गया 20 गया 25 गया 45 गया, इन द एंड अंत में द कॉरियो डीलर हैड टू पे 50 yen फॉर द गोबर्ड, और अंततः मैं उसको कहा कि ठीक है बा बुढ़ाऊ 50 रुपया देबो जी, ओका से ज्यादा ना देबो, 50 रुपया में लेवे का मन हो तल्ला और ना लेवे का मन हो तो मत ला। अब जो ऐसा सुन लिए भाई बड़ा खुश हो गया। द पोर्टर लेफ्ट द शॉप, चपरासी छोड़ दिया, ले लिया, डिलाइटेड एट हिज लक, अपने किस्मत पर बड़ा इठला रहा था, बड़ा इतरा रहा था, उसको लगा कि आहा है ना कितना बड़ा वो जो है तीर मार लिया है। इट वाजंट ऑफन दैट द टीचर गेव वन अ फ्री गिफ्ट, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि कोई मास्टर जो है उसको इतना कीमती तोहफा दिया होगा, है ना, इक्विवेलेंट टू द ईयर्स वेज, और ये पूरा 1 साल के बराबर उसका जो था तनख्वाह था। कहते ही वाज सो क्लेवर As not to mention the matter to anyone, वो बहुत ज्यादा चालाक था, वो इसकी चर्चा किसी से किया ही नहीं,
कोई से नहीं, कोई से ना कहा कि कोहड़ा हम बेचे तो हमारा इतना रोकड़ा फायदा हो गया, कोई से नहीं बोला इस बात को, है ना, कोई से नहीं। इतना ही नहीं, एंड नाइदर सीबी नॉर द टीचर, ना सीबी से कहा ना मास्टर से बोला, एवर हर्ड ना वो लोग कभी सुने कि व्हाट हैड हैपेंड टू द गोबर्ड, उस कोहड़े का हुआ क्या, सोचे कि फेंक दिया होगा ले जाके, है ना। तो कोहड़ा भी इतना सुंदर डिजाइन था कि भाई उसको बिका, बढ़िया बढ़िया अमाउंट में वो बिका। कहते हैं कि यस द पोटर वाज क्लेवर, हाँ चपरासी जो था वो बहुत ज्यादा चालाक था, बहुत चालाक था, बट ही वाज नॉट क्लेवर एनफ, लेकिन वो ज्यादा चालाक नहीं, चातुर था लेकिन चातुर नार करके सिंगार वाला बात नहीं था उसका, है ना, तेज होशियार तो था लेकिन उतना नहीं। लिटिल डिड ही इमेजिन दैट, अगर वह सोचे या तू सोचो, है ना, वो सोचे, बूढ़ा चपरासी सोचे या तुम भी सोचो, द सेम गोबर्ड वुड बी पास्ड ऑन बाय द कॉरियर डीलर टू अ वेल्दी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर 600 एन। सोचो जरा, वही कोहड़ा को वुड बी पास्ड ऑन, बेचा जाएगा एक बड़ा ही वेल्दी कलेक्टर, एक धनी संग्रहकर्ता के हाथों 600 एन में, 600 रुपया में, यानी 10 पैसा के चीज को 600 रुपया में बेचा जाएगा, उस कलाकारी अनमोल। हो सकता है वो बड़ा शहर में रहता तो और उसका ऊंचा प्राइस मिलता, यानी एक एक पॉइंट जो है, मन बात करने की चीजें हैं। अब यहां आप समझ सकते हैं कि उसके पिता ने उसके घर में रखे गए जितने भी हजारों हजार कोहड़ा था सबको फोड़ दिए, जरा सा भी उनको आइडिया होता कि इन सारे कोहड़ों में क्या अनमोल प्राइस है, तो आज हो सकता था कि वह उन कोहड़ों को बेचकर अपने जीवन में एक नया सुख ला सकते थे, उनको वो कारपेंटरी के दुकान को बड़ा कर सकते थे, ये उनके पास सुविधा आ जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपका जैसे होश ठनक रहा है ना, सिब्बी को भी मालूम चलेगा तो शायद ऐसा ही होगा उसके पिता को। सिब्बी इज नाउ इनग्रोस्ड इन हिज पिक्चर्स, लेकिन सिब्बी छोटा बच्चा था, छोटे बच्चे में अगर कोई चीज का लत छोड़ा दिया जाए, मार चमेटा तो छोड़ देता है ना, भले अच्छा हो बुरा उससे मतलब नहीं। अब सिब्बी जो था अपने पिक्चर से नहीं पेंटिंग बनाने में मशगूल था, अब उसको पेंटिंग बनाने में बड़ा मजा लगता था पेंटिंग बनाने में। कहते ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस, उसको कोई घृणा नहीं था आइदर टूवर्ड्स द टीचर, ना उसको अपने शिक्षक के प्रति कोई घृणा था, क्या है मास्टर भाई से कर दिया तो नहीं कुछ है, पल भर के लिए मास्टर से नाराज होते हो फिर लगता है जाए दो, उनका वो काम था। और टूवर्ड्स हिज फादर, ना ही पिता के प्रति, हु असेंड ऑल हिज द प्रीशियस गोबर टू द पीसेस, जितना भी उसका कीमती खजाना वाला कोहड़ा था सबको मार मार के गम कद्दू को खत्म कर दिया। सोचिए, इट ग्रेजुअली हिज फादर हैज बिगन टू स्कॉल्ड फॉर द पेंटिंग पिक्चर्स, धीरे धीरे उसके पिता जो थे बेचारा पेंटिंग करता था, पेंटिंग करने के लिए उसको डांटने लगे, ये क्या करता रहता दिन भर रख के, ये रंग भर नहीं ले लेता है, मुंह में रंग देंगे करा से रगड़ के, है ना, ये सब ना करना, पढ़े में रहना, है ना, ऐसा कहते हैं बेचारा, हो सकता है वो आदत भी छोड़ दे। लेकिन एक बात यहाँ समझने का है कि भाई इंसान के अंदर की जो कला है वो कभी मरती नहीं, द आर्ट कैन नॉट बी किल्ड, इट टेक्स अनदर रूट, है ना, कभी भी कला मरता नहीं है, हमेशा एक दूसरा राह अपना ले, है ना। इस वजह से सीबी भी देखे, पहले वो पॉलिशिंग गोबर करता था, बाद में पेंटिंग पिक्चर्स करने लगा। लेकिन एक बात यहाँ पर है कि किस प्रकार से हमारा जो जालिम समाज है, हमारा जो जालिम जो बड़े लोग होते हैं, जो शिक्षक हो, गार्जियन हो, या हमारे घर के बड़े भाई बहन हो, ये अपने बात को थोपना चाहते हैं, छोटे बच्चों के ड्रीम्स को नहीं देखना चाहते हैं, तो करना क्या चाहता है सोचो। अगर कोई छोटा बच्चा आपके गोद पर आता है और आपका मुंह नोचता है, तो उसको उस शौक को रोकना नहीं चाहिए, मुंह नोचने देना चाहिए, हो सकता है आगे चल के बड़का मुंह नोचवा बने। कोई छोटा बच्चा जो है वो घर के ना पूरे दीवार पर लिपस्टिक से पेंट कर रहा है, करने देना चाहिए, हो सकता है बड़ा बड़का पेंटर बने, भले वो पूरा दीवार उस समय खराब कर दे। हो सकता है कोई बच्चा जो है आपके गोद में चढ़ के वो अपना जो है उस तरह से वो अपना जो है छोटी संख्या कर दे, यानी टॉयलेट कर दे, उसको करने देना चाहिए, हो सकता है आगे चल के वो रावण जैसा नदी बहा दे, ये भी हो सकता है। इसी बात यही बात थी बाबू, है ना, ये आज का लेसन था। ये लेसन कैसा लगा आपको? और एक बात, हाँ इंपॉर्टेंट, आप लोग ध्यान दीजिएगा, कहीं जाइए नहीं अभी, ध्यान दीजिएगा खूब बढ़िया से, है ना, चलो ठीक है, आप लोग खूब बढ़िया ध्यान दीजिएगा। हाँ हाँ, अरे भाई मैंने नहीं, तुमने सुना ढंग से तो जाके ही लाती, है ना, एकदम ऐसा है, एकदम शेयर करना है, खूब करना है, गर्दा गर्दा उड़ा देना है, उसमें कोई परहेजी नहीं करना, एकदम आपके अपने शिक्षक हैं हम, है ना,
अपना बड़ा भाई मानो, है ना, और शेयर करते जाओ जितना आप कर सकते हो, खूब जबरदस्त सब्सक्राइब खूब कीजिए, गर्दन उड़ा दीजिए आप लोग, है ना। और कमेंट सेक्शन में मैं बताता हूँ, सुनिएगा, आपके अंदर किस चीज की हैबी है, मैंने पढ़ने लिखने के अलावा, है ना, कोई और चीज जो ऐसा है जो दुनिया तारीफ कर सकता है लेकिन मौका नहीं मिलता है, उस हैबिट का जिक्र जो है आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए, है ना। अगर आपका कमेंट्स खूब मजेदार लगा, बहुत ज्यादा कमेंट्स अगर आती हैं, है ना, तो मैं इस वीडियो को छोड़ूंगा, नहीं तो ये वीडियो YouTube से मैं हटा दूंगा, है ना। और आप लोग कमेंट्स कीजिएगा खूब जबरदस्त, बड़ा बड़ा कमेंट्स कीजिएगा आप लोग, है ना, ताकि मैं देखूं पढ़ूं उसको। जितना ज्यादा आप कमेंट्स करोगे डियर, एकदम बताओ, अपने दिल खोल के बताओ कि जी सर मेरा ये शौक था, मैं ये पूरा नहीं कर सका, या मैं ये करूंगा सर, है ना, ये ड्रीम बताइए। चलिए डियर, तब तक के लिए गुड नाइट, हैव ए नाइस डे। ये सब जो इतना बड़ा बड़ा पॉइंट लिख रहे हैं डियर, है ना, कल आप लोग बहुत अच्छे ढंग से आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। अभी जो इतने बच्चे देख रहे हैं हमारे, लगातार इतने बच्चे कमेंट्स करेंगे, एकदम अभी खत्म होने के बाद, तुरंत स्ट्रीम ऑफ होने के बाद, लगातार अपना अपना शौक, अपना अपना बात रखिएगा, खूब मजेदार रूप से, मैं खूब पढ़ूंगा सबका, है ना, एक एक हार्ट देते जाऊंगा सबको। इस पर कल ऑब्जेक्टिव होगी आपकी, है ना। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।